कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चाहे घेराव यात्रा हो, चाहे आक्रोश यात्रा हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, वो एक नौटंकी बन के रह गई है। लोग नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अनूपगढ़ में हमारे जयपुर ग्रामीण के एमपी को किस प्रकार से बीच में प्रेस वार्ता छोड़ करके आना पड़ा और वो जवाब नहीं दे सके कि तुम्हारे टिकट मांगने वाले मेंबर के पीछे दो दो आदमी भी नहीं लेकर के आए, तो फिर किस बात की आप मीटिंग कर रहे हो। कल जो हमें जानकारी मिली है कि इनकी यात्राएं, जो परिवर्तन यात्राएं फैल हो रही हैं, बड़ा नेता आता है और मूड ऑफ हो जाने के बाद में वो चला जाता है और पीछे से जो चुनिंदा लोग आ रहे हैं वो भी उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। इसको लेकर के इनको दिल्ली तलब किया गया है जैसा सुनने में आया है, और दिल्ली तलब करके इनको पूरी तरीके से डांटा गया है कि आपने 5 साल में किया क्या, आप एक भी ऐसी काम नहीं कर पाए जिससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरा जा सके। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये केवल धर्म के आधार के ऊपर झूठी बातें करके मोदी जी ने जो झूठे सपने 9 साल से दिखा रहे हैं, उनके झूठे सपने को बेच करके, ये पुनः भाई को भाई से लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान करके और राज में आना चाहते हैं, जो अब कतई संभव नहीं है। देश की और राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का विजन क्या है। किसान की बिजली फ्री, आम उपभोक्ता की घरेलू बिजली फ्री, किसान की लंपी में गाय मर गई वो 40,000 रुपये, किसान को 2 गाय या भैंस के लिए गारंटी 40,000 की, आम उपभोक्ताओं की महंगाई की मार से बचाने के लिए 500 रुपये में उज्ज्वला योजना वालों को गैस का सिलेंडर, 125 दिन का रोजगार, इंदिरा रसोई 8 रुपये में भर पेट स्वादिष्ट भोजन, OPS, मैं समझता हूँ 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ये ऐसे अनेकों काम हैं जो घर घर में उनका लाभ मिला है, चर्चाएं हैं, लोगों में उत्साह है और तमाम लोग राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का मूड बना चुके हैं।